वार्ड और हर साहब दोनों पहलवानों का आशीर्वाद दे रहा है, एक तरफ भारत एक तरफ नेपाल। नेपाल का सुजीत चौधरी हमारे नौर परासी जिला में रूपंदेही में, उधर चौधरी बिरादर को थारूक कहा जाता, थारूक चौधरी बिरादर। आज चौधरी बिरादर जितना है, जितना थारू हमारे यहाँ का है, वो खरीब के एक टोका भी बचने नहीं देते, उसको सब साफ कर देते हैं। हमारे वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर के वार्डाध्यक्ष श्रीमान श्री राजेंद्र प्रसाद शाह जी, दोनों पहलवानों के हाथ मिला के आशीर्वाद दिए। कल कुश्ती ये बराबर छुट्टी थी, हमने देखा नहीं, मगर आज ये कुश्ती फैसला होगा। और इस कुश्ती में हम चाहेंगे वार्ड अध्यक्ष साहब की तरफ से जो पहलवान विजयी होगा उसको कितना दूध पुरस्कार पीने के लिए मिलेगा, 500 रुपया, जीतने वाले को दोनों के 500 नहीं, जीतने वाले को थोड़ा बेसी होना चाहिए। हर जगह जो जीतता है उसका महत्व थोड़ा ज्यादा होता है। ₹1,000 जीतने वाले को, 1,000 हारने वाले के 500। हमारे वादा अध्यक्ष साहब के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, दोनों पहलवानों का आशीर्वाद दिए। और जिसको दिल से आशीर्वाद देंगे वही इस कुश्ती में विजयी होगा। भारत और नेपाल की कुश्ती हो रहा, एक तरफ 5 नंबर प्रदेश के पहलवान फुल्लू कलर के जांगिया में सुजीत चौधरी, सुजीत थारू रूपंदेही जिला नौर फरासी अखाड़ा। कुश्ती का समय रेफरी साहिब, बाबा जी कुश्ती का समय 10 मिनट, कुश्ती का समय 10 मिनट। चलो नेपाल के पहलवान फुर्तीला है, देखने में छोटा है। राजेश पहलवान इलाहाबाद, संजय पहलवान खलीलाबाद। इस कुश्ती के बाद राजेश पहलवान और संजय पहलवान, और संजय पहलवान दोनों पहलवान इस कुश्ती के बाद तैयार रहेंगे। अब देश पहलवान बगा है, पहलवान है, सुनिए पहलवान, अरे हरी साहब और कमेटी से निवेदन है, जब हम अपने पहलवान के तरफ से नहीं कुछ बोल रहा हूँ, हमारे नेपाल के कोई नहीं ललकार रहा है, तो जो है इंडिया वाला पहलवान उसके तरफ से कह रहा है तोड़ दो हाथ और पकड़ लो, ललकार रहा उधर देखे, अरे भाई साहब उनको मना करिए, वो अखाड़े के बगल से कुछ नहीं बोलेंगे। जब नेपाल के पहलवान के तरफ से कोई नहीं बोल रहा तो इनके पहलवान भी नहीं बोलना चाहिए किसी को, अगर वो बोलेंगे तो ये हमारे नेपाल की धरती है, नेपाली पहलवान के तरफ से 20 बोलने वाले तैयार हो जाएंगे। एक बार बोलिए, 20 में पहलवानों, 20 में जो भी कुश्ती होगा अखाड़े के बीच में, सुनिए आप मत बोलिए, आप इधर 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 हाँ माटी लगाते समय नहीं, मिट्टी लगाने गए और देखिए रेफरी साहब जंगल के नहीं रहे, सुनिए 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 सुनो, अखाड़े पर तो जाओगे, अखाड़े पर तो इनाम आ दिया, हम भी मानता हूं अखाड़े पर आके अपना इनाम तो ले सकते हो, ये बताइए। सुनिए आपने कुश्ती मारा, सुनिए आपने कुश्ती मारा, मगर किस तरीके से, शेर के तरह नहीं, जैसे चोर चोरी करने जाता है, गीदड़ के तरह मिट्टी लगाने गया धोखा कर दिया, अगर ना मर्द हो, सुनो 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 इधर पहलवान, अगर मर्द के बच्चा है और शेर तो सामने से युद्ध करो, अगर ना मर्द हो, ना मर्द हो, नहीं नहीं कुश्ती नहीं मारा जाएगा, अपने मिट्टी लगाने गया वो सावधान नहीं हुआ, ढीला पड़ा, उस पर आपने दांव मार दिया, बीच में सुनिए, एक मिनट सुनो पहलवान, सुनिए एक मिनट जरा सुनो, आपने जब
से आया था, हाथ में मिट्टी लिया। जब उसने हाथ में मिट्टी देखा तो इसने सोचा कि मिट्टी लगाने आया, इसलिए इसे खड़ा हो गया। उस पर आपने दाव मार दिया। आप दाव मार के दिखाओ, अब दाव मार के दिखाओ असली शेर के बच्चा हो तो। नेपाली पालवा अपने पूरे बाजुओं के शरीर के देखे 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 हाथ धुल जाकर पैसे पर जानते हैं जैसे कीड़ी मारने में हाथ धुल जाता है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के उनका अधिकार नहीं। कुश्ती लड़िए, दाव मारिए, पटक सकते हैं।